हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट एस्टेट मैथ का टॉपिक सर्च एंड इंडेक्स घातांक और करनी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे घातांक क्या होता है। से एक्स की पावर एन है तो एक्स को हम बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार, और एन जो है वो हमारी घात है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 3 ले लिया, इसका मतलब क्या, 5 को 3 बार लिखना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 75, सॉरी 125। ठीक, ऐसे ही 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब अगर 2 की पावर 1/2 हो गया तो इसको हम क्या लिख देते हैं, √2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ऐसे ही अगर किसी के ऊपर √2 की पावर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये जो पावर यहाँ लिखी हुई ये अपॉन में चली जाती है, 1/3। 5 की पावर 5 रूट या 4 लिखा, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखते नहीं है, इसीलिए इसका रूट का मतलब ही होता है 1/2, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखते नहीं है। ठीक, घातांक उसकी पावर होती है, करनी उसकी रूट में से निकालने को कहते हैं। क्लियर, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, रूल्स पहले इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाइप 1, जब घातांक पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पूर्णांक हो, कहने का मतलब है एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, ये एन जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो एक्स की पावर एन का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अब एन जितना भी हो एन सो ऑन एन तक हम कर दे रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 पॉजिटिव है पूर्णांक, हमने क्या बोला घातांक पॉजिटिव पूर्णांक पॉजिटिव है और पूर्णांक भी है, तो 5 5 25। 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 27 आता है। ठीक है, टाइप 2, जब घात एक निगेटिव पूर्णांक हो, निगेटिव पूर्णांक का मतलब है एक्स की पावर माइनस एन हो। ठीक, एक्स की पावर माइनस एन को हम 1/x n लिख सकते हैं। जब कभी निगेटिव वैल्यू हो उसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 इज इक्वल टू, 5 की पावर 3 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 1/125 आंसर आ जाएगा, है ना। एक और बात, अगर 1/x n नीचे है, इसको अगर पॉजिटिव में करना है तो उल्टा जैसे रूल हो गया, पूरा इसी का उल्टा है ये, तो x n लिख सकते हैं। ठीक, मतलब अगर पावर नीचे है उसको पॉजिटिव करना है तो, पॉजिटिव करना है तो ऊपर चला जाएगा, निगेटिव है तो 1 अपॉन में चला जाएगा पॉजिटिव करने के लिए। ठीक, जैसे 2 की पावर -2 है, इसको हमें पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो घात आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 = 4 आंसर। ठीक, टाइप 3, जब आधार निगेटिव हो, आधार निगेटिव का मतलब -a की पावर n हो, तब क्या करेंगे, ये अब 2 बातों पे निर्भर करेगा। अगर n आपका सम है, n जो है सम यानी इवेंट, तो पॉजिटिव आएगा, सम संख्या है,
तो आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर एन निविषम है, विषम यानी ऑड, तो आपकी निगेटिव संख्या आएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल -2 की पावर 2 लिया हमने, इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, देखिए सम था, 2 क्या है, सम है, इसलिए पॉजिटिव आया। यहीं पे विषम ले लेते हैं, -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -2 -2 माइनस मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ऐसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, जब घात भिन्नात्मक हो, टाइप 4, भिन्नात्मक का मतलब है ऐसे दिया हो आपका, ए की पावर 1/n दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए की पावर एन रूट ए। ठीक है, एग्जाम्पल 8 की पावर 1/3 दिया हुआ है, अगर 8 की पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 8/3। ठीक है, और इसको अगर रूट से बाहर निकालना है, इसका मतलब अंदर क्या है, तीन तीन के अंदर पेयर बनाने होंगे, 2 मल्टीप्लाई ये 3 है, 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 2 बाहर होगा तो 2 2 के पेयर बनेंगे, जितना बाहर लिखा होगा रूट पे उतने उतने के पेयर बनेंगे। अब 3 बाहर है तो 3 के पेयर बन जाएंगे और एक पेयर बाहर निकल आएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही अगर ए की पावर m/n है, तो क्या हो जाएगा आपका, रूट ए, ये जो n था वो तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 था इसलिए वो 1 हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी होल पावर में m चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 27 की पावर हम 2/3 ले रहे हैं। ठीक, अभी हमने बताया 27 रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। ठीक, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 लिखा है, इसकी पावर में स्क्वायर है, इसको 3 3 के पेयर बन जाएंगे, एक पेयर बना बाहर आ गया 3, और इसका स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर, टाइप नंबर 4 हो गया आपका। टाइप 5, ए की पावर एम की पावर एन है, तो हम लिख सकते ए एम इंटू एन, ठीक, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, और 2 की पावर 6 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 6, एक और यहीं पे देख लीजिए, अगर ऐसा केस है रूट एम की पावर 1/a, 1/a ब्रैकेट ए, इसका मतलब है एम की पावर 1/n, एन लिखा है, ये तो 1/n हो गया, फिर उसकी पावर 1/8 है, ए है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाए, और इसकी भी पावर ए है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो आपका आंसर m की पावर a से a कैंसिल 1/n आ जाएगा, ठीक। और 1/n का मतलब क्या होता है, n रूट m, ठीक। टाइप सिक्स, a इंटू b की पावर m है तो पावर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब पे, a की पावर m इंटू b की पावर m, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो डिवाइड ही रहेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 5 × 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 भी होगा। 5 की पावर 3 125 और 2 की पावर 3 यानी 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए a बाई बी है, अब हम इसको मान लीजिए a हमने 10 दिया है, b आपको 2 है दिया हुआ, इसकी पावर m है, इसका आंसर आपको बताना है 2/2510, ऐसे भी हो सकता 5 की पावर m आ जाए, ठीक है। m की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 भी ले ले, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 2, तो कैंसिल 5 आया, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 × 5 यानी 25 आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, कितना आंसर है 25। तो दोनों ही तरीके से सेम है, कभी कभी डिवाइड हो जाता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं डिवाइड होगा तो हम ऐसे पूरा खोल के करेंगे, क्लियर। टाइप 6 समझ में आ गया होगा। टाइप 7, अगर पावर जो है आपकी मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम हो, कंडीशन क्या है, पावर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है, पावर कुछ भी हो बट लेकिन मल्टीप्लाई में होना तय, ठीक है, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर सेम बेस डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक। नोट में लिखा, ये 1000 रुपए का नोट है, बिल्कुल रट लेना। गुणे के दौरान समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई नहीं, गुणे, मल्टीप्लाई के दौरान समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं, देखो प्लस हो रही है। भाग के दौरान समान आधार की घातों को घटाया जाता है, भाग है यानी डिवाइड है, इसके दौरान सेम बेस हो तो हमारी जो पावर है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2, 5 × 5 की पावर 3, ठीक। तो यहाँ पे आंसर 5, क्योंकि बेस सेम है इसलिए जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा। पावर कितना हो जाएगा, 2 + इसकी कितनी घात है, कुछ नहीं मतलब 1 है, +3, यानी हम कह सकते हैं 5 की पावर 3 3 6, 5 की पावर 6, ठीक है। ऐसे इधर 2 की पावर 3 / 2 की पावर 8 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 2 की पावर 3, पावर ऊपर जाएगा तो अगर ये 2 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, 2 की पावर 3 - 8 ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई की पावर्स, तो 2 की पावर -5 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। टाइप नंबर 8, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, बेस सेम है, दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं m यानी इनकी जो पावर है वो भी इक्वल होंगी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 है, बेस सेम है आपके, तो हम कह सकते हैं पावर भी हमारी इक्वल होंगी, 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आपको बेस सेम बनाना पड़ सकता, हो सकता सेम बेस हो, तो बस आपको पावर को कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। क्लियर? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब इतने ही हमारे रूल थे, इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1/16 की पावर -5/4। अब पहली बात तो हमने कहा था माइनस है उसको हटाओ, माइनस को सबसे पहले हटा दो, तो माइनस हटाने के लिए क्या करें बताइए, जो पावर है माइनस में है उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं, सिक्सटीन की पावर 5/4 लिख दे, पॉजिटिव हो गई, इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। ऐसे एक बार समझो, बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, 1 की पावर -5/4 और 16 की पावर -5/4 सब पे आ जाएगा, ठीक। जब पावर माइनस में होती है तो उसको पलट देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती, जरा इसको पलट दो, 1 ऊपर है तो 1 नीचे चला जाएगा और 16 नीचे है तो 16 ऊपर आ जाएगा, 16 की पावर माइनस सॉरी 16 की पावर +5/4, पलट दिया तो जो वैल्यू थी पावर थी वो पॉजिटिव हो गई, या 1 की पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, पलट गया ना, तो कितना आ गया 16 की पावर 5/4, यही हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 4 से 4 कैंसिल यानी 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि 1/16 निगेटिव में हमें पावर दिखी, इसको डायरेक्ट पलट देंगे, ठीक है, ये काम आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना था, ये सब इतना काम नहीं करना था एक्स्ट्रा वर्क। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8n-1, देखिए इधर 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू, इसको जरा ऊपर लाइए, हम लिख सकते हैं 8 की पावर -n-3, ठीक, क्या बेस अभी सेम है, नहीं सेम है ना, बेस सेम करेंगे, टाइप नंबर 8, 2n-1 इज इक्वल टू, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 -n-3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है पावर, 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 3, क्या होगा इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर -3n-3 3 3 9, बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 2n-1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 3s+9 के इक्वल होगा, ठीक है, 2n प्लस -3n को इधर लाओगे +3n हो जाएगा इज इक्वल टू 9, माइनस को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 5n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/5, 5 5 5 5 2 10 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर। ये बहुत लंबे तरीके से हम कर रहे हैं, बट ये आपको इतने लंबे तरीके से करना नहीं है, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ये तो है तो 1 मिनट 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस 1/3/4 की पावर -2/3, ठीक। अब देखिए 3/4 को पावर किसकी पावर में लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। -1, पहली बात पावर निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करिए। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, पलट दिया, ठीक। -3/4 ये किसका है, इधर देखिए, इधर थोड़ा सा 7 × 7 × 7, 7 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3/4, लेकिन हमें यहाँ माइनस में चाहिए, इसका मतलब इन सब के पास क्या होगा, माइनस होगा, तभी यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये पहले बता चुके पावर विषम है तो निगेटिव आती है और सम है तो पॉजिटिव आता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -7³, -7³ और 2/3 आपके पास पहले से है। -7 × 3 × 2/3, 3 कैंसिल, यानी -7² का मतलब -7 × -7, 7 × 7 = 49, माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, प्लस का 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 की पावर -2 प्लस -2 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 − 2 × -2, 2 की पावर -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 की पावर -2, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे प्लस 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 यानी 4, डायरेक्टली ऐड करके आप एलसीएम लेके पूरा करेंगे, बाकी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2m × m यानी m² इज इक्वल टू 512। अब 512 जो है आपको 2 की पावर में बताइए कितनी बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 आप करेंगे तो 512 आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं बेस सेम है, पावर भी इक्वल होंगी, m² = 9, तो m = 3, ठीक। वैसे रूट से जब भी बाहर आता है तो प्लस माइनस भी आता है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना, या तो दोनों होंगे तो दोनों लगाएंगे, एक होगा तो एक लगाएंगे, ठीक। फिलहाल यहाँ पे तो 3 ही आंसर आएगा आपका, एग्जैक्ट यही सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 4 की पावर n = 1024, अब 4 की पावर n को हम क्या लिखेंगे, n अंदर है, 4n की पावर 1/2 = 1024, ठीक है, 4n/2 = 1024 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और 4 को ये 10 × 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 ये है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, n/2 = 2 की पावर 10, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n = 2 की पावर 10, तो n = 10 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेस सेम है तीनों साइड, तो पावर मल्टीप्लाई में भी है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3/5, 1 − 6, -6 है ना, ऐड किया, प्लस माइनस माइनस, = 3/5 की पावर 2x − 1, बेस सेम पावर इक्वल, इधर आया -5,
इधर आपका 2x माइनस 1 माइनस 5, इधर आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, x बराबर माइनस 4 बाय 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, यानी माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, यहां देखिए मल्टीप्लाई करिए पावर को, पहले x की पावर b a बाय x की पावर c a, मल्टीप्लाई x की पावर c b बाय x की पावर a b, मल्टीप्लाई x की पावर a c अपॉन x की पावर b c। c a ये है और c a ये भी है, a c उल्टा लिखा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, c b ये है, c b ये है, ए बी ये है, ए बी ये पूरा कट गया, आंसर क्या आएगा? 1। कुछ लोग 0 लिख देते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 1 आएगा, ठीक है, माइनस नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसको करने का तरीका देखिए। लेट हम मान लेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे z है, 6 की पावर माइनस z, इसको माना एक कांस्टेंट, तीनों एक दूसरे के इक्वल, हमने मान लिया तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू k, 3 की पावर y इज इक्वल टू k, 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k, और जब पावर को उधर भेजेंगे तो 1 बाई 2 में हो जाता है, तो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई x, 1 बाई x, 3 इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई y, 6 इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 बाई z, ठीक। अब देखिए हमें 6 यहाँ पे है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 टू जा 6, तो 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k की पावर 1 बाई x मल्टीप्लाई k की पावर 1 बाई y, ठीक है, कितना आ जाएगा, k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। अब 6 इधर भी 6 इधर भी, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई जेड, कह सकते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, हमें ऐसा सोचना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कि तीसरा बन जाए, ठीक है। तो पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड, जो हमें चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा, इधर 0 बचेगा, ठीक। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। ये आपके 10 क्वेश्चन थे और कुछ सॉल्यूशन थे, कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इससे पहले वीडियो देखने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो, कुछ टॉपिक्स हमने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता सकते हैं, उसको फिर हम चेक करेंगे, ठीक है, बाकी तो सही है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एक बार ये क्वेश्चन चेक करना चाहेंगे, फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुझे इसमें गलत लग रहा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए इसको लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई थी, इसकी पावर है रूट थ्री का मतलब 3 की पावर 1 बाय 2, और इसकी पावर कितनी है 5, ठीक है, और 9 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 की पावर इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1 बाय 2, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसीलिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं, 3 की पावर 5 बाई 2
इंटू थ्री की पावर फोर इज इक्वल टू थ्री की पावर एन इंटू, ध्यान नहीं रहा सॉरी, उसके लिए हो जाती हैं गलतियाँ, गुणे में पावर जुड़ जाएंगे, तो फाइव बाई टू प्लस फोर इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, बेस सेम था इसलिए पावर ऐड कर दी और हमने एक दूसरे के इक्वल भी कर दी। ठीक है, दो स्टेप यहाँ एक साथ हमने किए हैं। ऐड करिए ज़रा, टू एलसीएम लेंगे, फाइव प्लस फोर टू ज़ा एट इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लेंगे, टू टू एन प्लस टू प्लस वन, टू से टू नीचे कैंसिल, आठ पाँच तेरह इज इक्वल टू टू एन प्लस थ्री, थ्री उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी थर्टीन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एन, तो आपके पास टेन इज इक्वल टू टू एन, यानी एन इज इक्वल टू टेन बाई टू, कैंसिल होके फाइव, यानी एन बराबर फाइव आपका सही आंसर होगा। एकदम सही क्वेश्चन अब हुआ। ठीक है, सॉरी पहले के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू so much.